Hey everyone, guys, it's just a random video. I just want to share this experience with you all. क्योंकि आज जो मैंने किया वो मैंने अपने थोड़े से कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये एक एक्सपीरियंस क्यों ना शेयर करूँ. और मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगा सो आई जस्ट वॉन्ट टू कैप्चर इट कि जब मैं बाद में कभी इस वीडियो को देखूँ तो मुझे लगे कि हाँ आई हैव डन समथिंग. और बताती हूँ, देखो बात क्या थी. एक्चुअली ना मेरा एक कंफर्ट जोन है कि मैं किसी को भी मैसेज नहीं करती हूँ, कमेंट नहीं करती हूँ. मुझे ऐसे सोशल होने में बड़ा अजीब सा लगता है. तो एक्चुअली आज क्या हुआ कि मैं एक यूट्यूबर है सलोनी श्रीवास्तव, उनको फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे उनका कंटेंट बड़ा ही प्यारा लगता है. प्रोडक्टिविटी मैंने देखी हुई उनकी वीडियोज़ में काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे उनकी वीडियोज़ को देख देख के मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी को सीखा. तो आज मैं उनका वीडियो देख रही थी. सो शी रिकमेंड अ चैनल, उसका नाम था डांस विद दीप्ति. तो उनके रिकमेंडेशन पे मैं गई उस चैनल पे क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा डांस वाला कुछ सीखते हैं, क्योंकि डांस करो तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है और एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ साथ. तो मैं उनके चैनल पे जब गई और वहाँ पर मैंने उनकी वीडियोज़ पे देख के नीचे कॉमेंट किया दैट I am here because of सलोनी श्रीवास्तव video. ऐसा मैंने लिखा वहाँ पर. So she replied कि anything I missed, उन्होंने ऐसा कुछ पूछा मुझसे. तो मैंने कहा yes, actually सलोनी श्रीवास्तव मैम ने कल एक video डाला था और उस video के through मैं इस channel पर आई हूँ. तो उन्होंने फिर जाके, उनको नहीं पता था, उनको ये बात नहीं पता थी कि मैम ने ऐसा कुछ recommend किया है उनका channel. So उन्होंने जाके चेक किया सलोनी श्रीवास्तव मैम की वीडियो पे एंड शी इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी. मैं आपके साथ पूरा जो भी मेरा कमेंट वाला था वो आपके साथ शेयर करूँगी कम्युनिटी टैब पर, क्योंकि ये एक रैंडम वीडियो है. आई जस्ट डोंट वांट टू एडिट दिस ऑल क्योंकि अभी मेरी क्लास भी है अन अकेडमी पर. तो मुझे ना आज एक ऐसा फील हुआ कि यार जब हम किसी के चैनल पर कमेंट करते हैं ना तो उसको कैसा लगता है. सबसे पहली बात, जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मैंने उनकी तारीफ़ करी. उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि मैम ने आपका वीडियो ऐसे शेयर किया हुआ है, तो मुझे लगा कि यार सच में बड़ा अच्छा फील आता है. एंड टुडे आई रियलाइज, देखो अभी तक मैं जो रियलाइज़ करती थी ना वो ये था कि जब कोई हमें कमेंट करता है तो हमें कैसा लगता है, मेरा ये वाला एक्सपीरियंस था. बट आज आई रियलाइज़ कि जब हम किसी को कमेंट करते हैं तब हमें कितनी अच्छी फीलिंग आती है और अगर वो इंसान हमारी वजह से खुश हो जाता है. सो गाइज, यही वाली चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी का चैनल, किसी का कंटेंट जेन्युइनली पसंद आता है ना, तो प्लीज़ डू कमेंट. जो कि मैं आज तक गलती करती थी, आगे से नहीं करने वाली हूँ. आगे से मुझे जिसका भी जो भी कंटेंट पसंद आता है डेफिनेटली मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करूँगी. सो दिस इज़ ऑल जस्ट अ एक्सपीरियंस और मैरी क्रिसमस टू यू ऑल. और आज मैंने एक और अच्छी चीज़ करी. आज मैंने, मेरे दो टॉप थे जो कि अब मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं होते और मैंने वो टॉप बहुत ही रेयरली पहने थे, मतलब फैशन वैशन में मैंने ऑर्डर कर लिए थे. सो मेरा जो आंटी आती हैं काम करने रूम पर, मैंने ऐसे पूछा रैंडमली कि उनकी बेटी की एज वेज क्या है, तो मुझे पता चला शी इज़ इन 11th. तो मैंने बोला कि, मैंने आंटी से पूछा, मैंने आंटी उसको ये दो टॉप आ जाएंगे? सो आंटी बोली कि हाँ आ जाएंगे. तो मैंने जस्ट उनको दे दिया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. एक्चुअली वैसे वो मुझे बहुत पसंद है, बट ठीक है, अच्छा लगा मुझे कि मेरी वजह से शायद किसी को अच्छा लगेगा. एंड आई रियली लाइक, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई क्रिसमस एक्सपीरियंस. आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ एट योर होम. बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो. इज जस्ट अ रैंडम वीडियो. इफ यू वॉन्ट सम मोर एक्सपीरियंस देन प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं ऐसे और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. बट मुझे आज सच में बहुत अच्छा लगा तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव स्प्रेड करते हैं. चलो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अकेडमी पर.